बहुत सारे काम दार्जिलिंग में हुए हैं और उस काम को में और तेजी लाना, साथ ही हमारी कुछ लोकल एस्पिरेशन है, खास करके पहचान को लेकर के, परिचय को लेकर के। और आपने समय समय पर सुना होगा गोरखालैंड की आवाज़ जो है उठती रही है, सो हमारी पार्टी ने भी ये कहा है कि हम उसका स्थायी समाधान करेंगे जो भारत के संविधान के अंतर्गत होगा। बहुत सारे काम दार्जिलिंग में हुए हैं और उस काम को में और तेजी लाना, साथ ही हमारी कुछ लोकल एस्पिरेशन है, खास करके पहचान को लेकर के, परिचय को लेकर के। और आपने समय समय पर सुना होगा गोरखालैंड की आवाज़ जो है उठती रही है, सो हमारी पार्टी ने भी ये कहा है कि हम उसका स्थायी समाधान करेंगे जो भारत के संविधान के अंतर्गत होगा। बहुत सारे काम दार्जिलिंग में हुए हैं और उस काम को में और तेजी लाना, साथ ही हमारी कुछ लोकल एस्पिरेशन है, खास करके पहचान को लेकर के, परिचय को लेकर के। और आपने समय समय पर सुना होगा गोरखालैंड की आवाज़ जो है उठती रही है, सो हमारी पार्टी ने भी ये कहा है कि हम उसका स्थायी समाधान करेंगे जो भारत के संविधान के अंतर्गत होगा। बहुत सारे काम दार्जिलिंग में हुए हैं और उस काम को में और तेजी लाना, साथ ही हमारी कुछ लोकल एस्पिरेशन है, खास करके पहचान को लेकर के, परिचय को लेकर के। और आपने समय समय पर सुना होगा गोरखालैंड की आवाज़ जो है उठती रही है, सो हमारी पार्टी ने भी ये कहा है कि हम उसका स्थायी समाधान करेंगे जो भारत के संविधान के अंतर्गत होगा। बहुत सारे काम दार्जिलिंग में हुए हैं और उस काम को में और तेजी लाना, साथ ही हमारी कुछ लोकल एस्पिरेशन है, खास करके पहचान को लेकर के, परिचय को लेकर के। और आपने समय समय पर सुना होगा गोरखालैंड की आवाज़ जो है उठती रही है, सो हमारी पार्टी ने भी ये कहा है कि हम उसका स्थायी समाधान करेंगे जो भारत के संविधान के अंतर्गत होगा। बहुत सारे काम दार्जिलिंग में हुए हैं और उस काम को में और तेजी लाना, साथ ही हमारी कुछ लोकल एस्पिरेशन है, खास करके पहचान को लेकर के, परिचय को लेकर के। और आपने समय समय पर सुना होगा गोरखालैंड की आवाज़ जो है उठती रही है, सो हमारी पार्टी ने भी ये कहा है कि हम उसका स्थायी समाधान करेंगे जो भारत के संविधान के अंतर्गत होगा। बहुत सारे काम दार्जिलिंग में हुए हैं और उस काम को में और तेजी लाना, साथ ही हमारी कुछ लोकल एस्पिरेशन है, खास करके पहचान को लेकर के, परिचय को लेकर के। और आपने समय समय पर सुना होगा गोरखालैंड की आवाज़ जो है उठती रही है, सो हमारी पार्टी ने भी ये कहा है कि हम उसका स्थायी समाधान करेंगे जो भारत के संविधान के अंतर्गत होगा।